अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए गेटा ट्यूटोरियल। जल्दी कीजिए क्योंकि 1 अप्रैल से समर क्लासेस शुरू हो रहे हैं। गेटा ट्यूटोरियल्स IDSMT लेआउट अबव RDCC बैंक अपोजिट टू अपोलो फार्मेसी IB रोड रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8073625762। में आप तमाम का खैर मकदम है। जारिया असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगियों की जाँच पड़ताल तनखी यानी की स्क्रूटनी चल रही है। इस सिलसिले में जराये से इत्तला के मुताबिक BJP उम्मीदवार डॉक्टर शिवराज पाटिल की नामजदगी को कबूल कर लिया गया है। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शालम की और जनरल सेकुलर के उम्मीदवार ई विनय कुमार की नामजदगियों को भी कबूल कर लिया गया है। इस तरह मोहम्मद शालम कांग्रेस के एक ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुजीबुद्दीन इफ्फत सिद्दीकी और रवि बोसराज के नामजदगियों को भी मंजूर कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डी वीरेश की नामजदगी को भी मंजूर कर लिया गया है। जराये से मिली एक और इत्तला के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर कायद बशीरुद्दीन की नामजदगी को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह साबिका रुकन असेंबली सैयद यासीन की नामजदगी को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया और कांग्रेस के अखिलेती सेल के चेयरमैन डॉक्टर जे साजिद समीर की नामजदगी को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये भी पता चला है कि KRPP के उम्मीदवार रामन गौड़ा की नामजदगी को भी रिजेक्ट किया गया है। मजीद तफसीलात हम अपने आने वाली वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि शाम तक कितने उम्मीदवारान मैदान में बाकी हैं और कितने उम्मीदवारान के पर्चे नामजदगी खारिज कर दी गई यानी रिजेक्ट कर दी गई। आज मोहम्मद शालम साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उम्मीदवार बने थे आज स्क्रूटनी थी, माशाल्लाह उनका नामिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गया। सो एक्सेप्ट हो गए, दोनों नामिनेशन डाले थे, दोनों भी एक्सेप्ट हो गए। उसी तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रवि बोसराज भी डाले थे, उनका भी एक्सेप्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज आम आदमी पार्टी से स्क्रूटनी था हमारा। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वीरेश कुमार रायचूर से, मेरा नामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ।